मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमामय संविधानिक नाम है तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है, अर्थात ये घोर अनुचित है। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है, या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है, इसकी भी आशंका है। ये भी एक आम चर्चा है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी व विकास आदि के ये खास व अत्यंत जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिए हैं। इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना पूरे तौर से सही व जनहितेशी भी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम को लेकर बीजेपी व इनके एनडीए को तथा इनके केंद्र की सरकार को, जबकि चाहिए ये था तो जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है व जन विरोधी भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए जो विशेषकर अपने देश के नाम पर बने हैं, वरना फिर अपने देश की गरिमा को भी काफ़ी ठेस पहुंचेगी। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष व अब सत्ता पक्ष द्वारा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी व संकीर्ण राजनीति से फिर अपने संविधान के साथ आए दिन छेड़छाड़ करने का किसी को भी खुला मौका मिल जाएगा। अंत में अब मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेकर अपने संविधान के साथ किसी भी पार्टी व फ्रंट आदि को छेड़छाड़ करने का मौका नहीं देंगे। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।